सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं Redmi मोबाइल को रीसेट कैसे किया जाता है, यानी फैक्ट्री डाटा रीसेट कैसे किया जाता है। ज़्यादातर करके दो ही रीजन से आप दोस्तों मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते होंगे, या फिर दोस्तों आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैंग करता होगा, या दोस्तों आपके मोबाइल की स्टोरेज खाली नहीं हो रही होगी। तो दोनों कंडीशन में अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हो तो दोस्तों आपके मोबाइल की स्टोरेज भी खाली हो जाएगी और दोस्तों एकदम आपका मोबाइल पानी की तरह चलने लगेगा, यानी दोस्तों आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो ये दो फायदे होते हैं मोबाइल को रीसेट करने के। अगर आप करना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आपके पास कोई दूसरा Redmi का मोबाइल है तब भी इस वीडियो को देख लीजिए, सभी मोबाइल में सेम ही प्रोसेस रहेगा फैक्ट्री डाटा रीसेट करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास Redmi का मोबाइल, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस मोबाइल में फैक्ट्री डाटा रीसेट करोगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल के दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अबाउट फ़ोन का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फैक्ट्री रीसेट का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा। अगर दोस्तों ये ऑप्शन आपके मोबाइल में यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन पर आपको लिखना है फैक्ट्री रीसेट। जैसे ही आप लिखोगे, जहाँ पर दोस्तों ये सेटिंग होगी पहले नंबर पर आ जाएगी, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अराइज आल डाटा का दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके मोबाइल में पैटर्न या पासवर्ड या पिन जो भी पड़ा है, यानी स्क्रीन लॉक जो भी पड़ा है, वो अपना डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फैक्ट्री रीसेट का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेकंड चले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा आपके मोबाइल में जितने भी गूगल अकाउंट हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। आपके मोबाइल में एक्स वाई जेड कुछ भी फ़ोटो और वीडियो पड़ा होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगे, तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड चलेंगे तो आपको जस्ट थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ओके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए अब ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बस दोस्तों ये जो है मोबाइल आपका दोस्तों स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद जब दोस्तों ओपन होगा तो एकदम दोस्तों मोबाइल रीसेट होने के बाद ही ओपन होगा। तो इसका पार्ट टू मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल को रीसेट करने के बाद सेटअप कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।